गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी वार्म वेलकम वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन वेरी फेवरेट चैनल न्यू लाइट नीट। तो आज हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लाइट रिएक्शन के आगे से इसको कंटिन्यू करेंगे। इसके पीछे का हम लोग कर चुके हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम, ये सब हम लोग कवर कर चुके थे। तो गुड इवनिंग आकर्षिका, गुड इवनिंग अमरजीत, मोनू कौशिक, गुड इवनिंग योगराज, वेरी गुड इवनिंग ओम लक्ष्मी, वेरी गुड इवनिंग विशाल चौधरी, वेरी गुड इवनिंग अमरजीत कुमार, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस गगन वर्मा, वेरी गुड इवनिंग। अभिजीत घोष, वेरी गुड इवनिंग। शिवांगी निवाम, वेरी गुड इवनिंग। शैलजा पांडे, वेरी गुड इवनिंग। यस अभिजीत, तो लेट्स स्टार्ट लाइट रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में दो फेजेस हैं। फोटोसिंथेसिस, वन इज फोटोकेमिकल फेज, और लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज, और दूसरा है बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज, अनदर वन इज बायोसिंथेटिक फेज। तो लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स। तो लाइट रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगा एज अ बाई प्रोडक्ट, और फॉर्मेशन होगा हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स ATP और NADPH का। इसको बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। इन दोनों को मिलाकर के बोला जाता है एसिमिलेटरी पावर। ये अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से ATP और NADPH वगैरह का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो मेन है ऑक्सीजन रिलीज, ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होगा ATP और NADPH। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज इन्वॉल्व होंगे। दीज पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टू डायरेक्ट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन द फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू। तो फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू, फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू, ये दो फोटोसिस्टम्स हैं। और ईच फोटो सिस्टम इज मेड अप ऑफ, अगर पूछा जाए ईच फोटो सिस्टम इज मेड अप ऑफ, तो क्या बताएंगे? वाइट पेज, ईच फोटो सिस्टम इज मेड अप ऑफ, ईच फोटो सिस्टम इज मेड अप ऑफ। एक फोटो सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? तो पहला होगा रिएक्शन सेंटर, फर्स्ट इज रिएक्शन सेंटर। सेकेंड इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। यस आरबी कुमाई, वेरी गुड इवनिंग। फैजान सिद्दीकी, वेरी गुड इवनिंग। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और इसके अलावा और क्या होगा इसमें? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा इलेक्ट्रॉन
थर्ड इज पहला रिएक्शन सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, सम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर इन्वॉल्व और दीज आर एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो ये फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम इज मेड अप ऑफ रिएक्शन सेंटर होगा, एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा जो एंटीना की तरह काम करेगा, दिस एक्स एज एंटीना, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो दिस विल कॉन्स्टिट्यूट फोटोसिस्टम, इन सब से मिलकर के बनेगा फोटोसिस्टम। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद इन द फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू, दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी एंड नॉट इन द सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। तो इनका जो नाम दिया गया फोटोसिस्टम वन और फोटोसिस्टम टू, ये डिस्कवरी के बेसिस पे है, जो पहले डिस्कवर हुआ था उसको फोटोसिस्टम वन और जो बाद में डिस्कवर हुआ उसको फोटोसिस्टम टू। फंक्शनिंग के बेसिस पे सबसे पहले फोटोसिस्टम टू एक्ट करता है, फिर फोटोसिस्टम वन एक्ट करेगा, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। इसमें द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। अब जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है दैट इज मेड अप ऑफ हंड्रेड ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाउंड टू प्रोटीन्स। इसमें पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसमें पिगमेंट्स कौन कौन से होंगे, इसमें पिगमेंट्स होंगे क्लोरोफिल ए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसमें पिगमेंट्स होंगे क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होंगे और कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। डिफरेंट क्लोरोफिल ए जो डिफरेंट वेवलेंथ्स को लाइट को कैप्चर करेंगे, क्लोरोफिल बी जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को, और कैरोटीनॉइड्स, इन सब से मिल करके बना होगा हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट को कैप्चर करने वाला कॉम्प्लेक्स। तो ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, सिर्फ एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को छोड़ करके, ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग ए लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटीने, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एंटीनी, इससे मिलकर के बनेगा एंटीनी। दीज पिगमेंट्स हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय अब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। अब ये इसमें एक रिएक्शन सेंटर होगा जो एक स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल का बना होगा। तो यहाँ पे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की जरूरत क्यों पड़ी, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की जरूरत इसलिए पड़ी कि ताकि जो सोलर स्पेक्ट्रम आ रहा है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को कैप्चर किया जा सके। क्लोरोफिल ए डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को कैप्चर करेगा, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ये सब डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को कैप्चर करेंगे, तो जिससे इसकी एफिशिएंसी होगी वो बढ़ जाएगी। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर दिस इज मेड अप ऑफ सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटोसिस्टम, फोटोसिस्टम वन में रिएक्शन सेंटर क्या होगा, इन फोटोसिस्टम वन रिएक्शन सेंटर विल बी, फोटोसिस्टम वन में रिएक्शन सेंटर क्या होगा, इन फोटोसिस्टम वन रिएक्शन सेंटर विल बी, यस शैलजा करेक्ट करेक्ट करेक्ट, इन फोटोसिस्टम वन रिएक्शन सेंटर इज P700, मतलब ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को कैप्चर करेगा, एब्जॉर्ब करेगा।
A has absorption peak at 700 nanometer, hence it is called P700. While in photosystem 2, it has absorption maxima at 680 nanometer. तो ये P680 और P700 क्या है? ये एक स्पेशल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है. ये क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल है जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को कैप्चर कर रहा है. और ये P680, तो पी फोटोसिस्टम वन में रिएक्शन सेंटर जो है वो हमारा होगा P700 और P680 होगा फोटोसिस्टम टू में. तो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर था. रिएक्शन सेंटर अगर ये फोटोसिस्टम वन होगा तो फोटोसिस्टम वन में रिएक्शन सेंटर हो गया P700, और अगर ये फोटोसिस्टम टू है तो फोटोसिस्टम टू में रिएक्शन सेंटर हो जाएगा हमारा P680. और ये है क्या? ये क्लोरोफिल ए का ही मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ए. और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ये एंटीना की तरह एक्ट करेगा वेवलेंथ्स को ज़्यादा कैप्चर करने के लिए, डिफरेंट वेवलेंथ्स को कैप्चर करने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए. और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो हमारा होगा वो क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड्स इनका बना होगा. देन वी कम टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. इन फोटोसिस्टम टू द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ. तो फंक्शनिंग के बेसिस पे सबसे पहले फोटोसिस्टम टू फंक्शनिंग स्टार्ट करेगा. सबसे पहले फोटोसिस्टम टू, तो फोटोसिस्टम टू द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कॉजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू एन ऑर्बिट फादर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस. तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी ऑब्टेन कर लेगा, ये अपना ऑर्बिट छोड़ करके हायर एनर्जी में पहुंचेगा. दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच पासिस देम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. ETS में जाएगा, कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स. ETS इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स साइटोक्रोम्स. तो यहाँ पर ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ने अपना इलेक्ट्रॉन्स जो ये थे ये रिएक्शन सेंटर को दिए. रिएक्शन सेंटर से फाइनली ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, ये हायर एनर्जी की ऑर्बिट में पहुँचेगा. यहाँ से ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होगा ये इसको एक्सेप्ट करेगा. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दिस विल एक्सेप्ट दिस इलेक्ट्रॉन. This movement of electron is downhill in terms of an oxidation reduction or redox potential scale. तो redox potential scale ये मतलब जो electronegativity के basis पर ये arrange होते हैं. electron transport system में जो electron carriers होंगे वो electronegativity के basis पर arrange होते हैं. जिसकी electronegativity hydrogen से ज़्यादा होगी वो नीचे की तरफ होगा और उसका redox potential होगा positive होगा. जिसकी कम होगी उसका निगेटिव होगा. और ये इन टर्म्स ऑफ डाउनहिल क्यों है? डाउनहिल इसलिए क्योंकि जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फिर तीसरे चौथे, इस तरह से जब ये आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी विल बी रिलीज. इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये डाउनहिल इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल. तो ये जब डाउनहिल की तरफ आएगा तो नेगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल से दिस विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव रिडॉक्स पोटेंशियल. तो इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पर कौन सा होगा? फोटोसिस्टम टू में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होगा? यस, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विल बी तलत बारी. एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम आवर साइड. यहां पर तो कोई बफरिंग वगैरह नहीं हो रही है. प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है इन फोटोसिस्टम टू? यस फैजान सिद्दीकी, इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूं, हाईलाइट करके ही पढ़ा रहा हूं, बस यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत है. फियोफाइटिन फोटोसिस्टम वन में, फोटोसिस्टम वन में फियोफाइटिन,
जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी बता रहा हूँ। फियोफाइटिन, फियोफाइटिन इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। फियोफाइटिन से फिर ये पहुँचेगा प्लास्टोक्विनोन के पास, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और साइटोक्रोम B6F और यहाँ पर फोटोसिस्टम वन, ये फोटोसिस्टम वन का लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, इसके बीच में यहाँ पर होगा प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। तो जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो इस तरह से होगा। ये रिएक्शन सेंटर है फोटोसिस्टम टू का, फोटोसिस्टम टू से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, यहाँ पर ये फियोफाइटिन होगा, फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फियोफाइटिन से ये आएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, B6F, और यहाँ से प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन जो होगा ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करेगा, ये कनेक्ट करेगा फोटोसिस्टम टू और फोटोसिस्टम वन के बीच में, ये फाइनली फोटोसिस्टम वन को भेजेगा इलेक्ट्रॉन। अब फोटोसिस्टम वन से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर के फिर से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, तो यहाँ पर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद ये पहुँचा फोटोसिस्टम वन, और फोटोसिस्टम वन से फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है आयरन सल्फर, इसके बाद ये फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन से फिर ये NADP प्लस, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है ये NADP प्लस है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा ये NADP प्लस। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू पास हो रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिस्टम वन, ये किसके पास पहुँचते हैं, फोटोसिस्टम वन के पिगमेंट्स के पास। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम वन आर ऑल्सो एक्साइटेड व्हेन दे रिसीव रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर एंड आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज ए ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव डाउन हिल अगेन, ये वापस से यहाँ से जो मूवमेंट होगा ये फिर से डाउन हिल होगा, ये यहाँ से जो मूवमेंट हो रहा है NADP प्लस के पास ये फिर से डाउनहिल मूवमेंट है, दिस इज अगेन डाउनहिल। दिस टाइम टू ए मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP प्लस, यहाँ पर किसके पास आया है, ये NADP प्लस के पास आया। द एडिशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसेस NADP प्लस टू NADP2H, NADPH plus H plus. This whole scheme of transfer of electrons starting from the photosystem 2 uphill to the acceptor, down the electron transport chain to photosystem 1, excitation of electrons transfer to another acceptor and finally downhill to NADP plus, reducing it to NADP2H is called the Z scheme. ये जो पूरा pathway है ये Z की तरह है, जो alphabet Z होता है उसकी तरह से, यहाँ से ये इस तरह से ये और ये जेट की तरह हुआ, तो इसी को बोला जाता है जेट स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो जेट स्कीम में पहले लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से ये अपहिल होगा, ये दिस इज अपहिल, ये डाउनहिल, एनर्जी रिलीज होगी डाउनहिल, ये यहाँ से फिर से अपहिल और ये डाउनहिल, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मूवमेंट।
दिस शेप इज फाउंड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन ए सीक्वेंस ऑन ए रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल हम लोगों ने देखा था, रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे ही अरेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स उसी को बोलते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो यहां तक समझ में आया सभी को? अमित यादव, नया शेड्यूल आपको शेयर किया गया होगा टेलीग्राम पे ना, टेलीग्राम पर टेस्ट का शेड्यूल शेयर किया गया है। यहां तक सभी को समझ में आया? थैंक यू तलत सीमा, थैंक यू जितेंद्र यादव, थैंक यू ओम लक्ष्मी, थैंक यू। फिर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, दिस इज एसोसिएटेड विथ फोटो सिस्टम टू। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ये एसोसिएटेड होती है फोटो सिस्टम टू के साथ। तो यू वुड देन आस्क हाउ डज फोटो सिस्टम टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली। तो यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से फोटो सिस्टम टू के लगातार इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो ये कॉन्टिन्यूटी बनी कैसी रहेगी? क्योंकि इससे तो फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के ब्रेकडाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वाटर का ब्रेकडाउन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसीलिए इसको बोला जाएगा फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम टू मस्ट बी रिप्लेस्ड, ये रिप्लेस किए जाने चाहिए। दिस इज अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर की स्प्लिटिंग होगी। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम टू, वाटर इज स्प्लिट, तो ये स्प्लिटिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ये ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट, ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में रिलीज होगी जो हम लोग यूज करते हैं। तो द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम टू, वाटर इज स्प्लिट इन टू टू एच आइंस ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, द इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम वन आर प्रोवाइडेड बाई फोटो सिस्टम टू। तो फोटो सिस्टम वन से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे होते हैं वो तो फोटो सिस्टम टू प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर देखो, फोटो सिस्टम वन से जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, ये यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो अल्टीमेटली फोटो सिस्टम वन को पहुँचेगा, फोटो सिस्टम वन से फिर ये फाइनली NADP प्लस को। तो फोटो सिस्टम वन का जो इलेक्ट्रॉन जो निकला है वो आ जाएगा, ये फोटो सिस्टम टू उसको रिप्लेस करेगा, और फोटो सिस्टम टू का जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से फुलफिल होगा। तो दिस इज डन बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, और ये चूंकि लाइट की प्रेजेंस में होता है इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर ये एसोसिएटेड होगी हमारी फोटो सिस्टम टू से। ये पूछा जाता है, वी नीड टू एम्फेसाइज हियर दैट वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द फोटो सिस्टम टू, इम्पॉर्टेंट है, विच इट्सेल्फ इज फिजिकली लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड। ये ध्यान रखना है, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड। क्लोरोप्लास्ट में जो हम लोगों ने थैलाकॉइड स्ट्रक्चर देखा था, तो वहां पर ये फोटो सिस्टम टू होगा, ये इनर साइड पर होगा, इसी को बोलते हैं अप्रेस्ड पार्ट, अप्रेस्ड। जैसे अगर दो थैलाकॉइड्स इस तरह से थैलाकॉइड्स हैं, ये ग्रैनम बना रहे हैं, तो यहाँ पर इस साइड ये अप्रेस्ड पार्ट, ये अप्रेस्ड पार्ट, ये अनअप्रेस्ड पार्ट जो किसी से दब नहीं रहा, अनअप्रेस्ड, और ये अप्रेस्ड पार्ट, ये अप्रेस्ड पार्ट,
तो यहाँ पर अंदर फोटोसिस्टम वन और फोटोसिस्टम टू दोनों होंगे, बट यहाँ पर फोटोसिस्टम वन, बाहर की तरफ अनप्रेस पार्ट में सिर्फ फोटोसिस्टम वन। तो इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ये इम्पॉर्टेंट है, लोकेटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। फिर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एटीपी का बनना, एडीपी से एटीपी का बनना, इसको बोला जाएगा फॉस्फोराइलेशन। फोटो चूंकि लाइट के प्रेजेंस में होगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, साइक्लिक तब होगा जब इलेक्ट्रॉन अगर वापस उसी रिएक्शन सेंटर पे पहुंचेगा, उसी फोटोसिस्टम में वापस आ जाएगा तो साइक्लिक, अगर नहीं वापस आएगा तो नॉन साइक्लिक। जैसे यहाँ पर ये जो दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और ये यहाँ पर गया, फिर ये फोटोसिस्टम वन के पास वापस आया और फोटोसिस्टम वन से होते हुए एनएडीपी प्लस के पास फाइनली पहुँच गया। तो ये इलेक्ट्रॉन वापस हमारा फोटोसिस्टम टू में नहीं आया, इसलिए ये नॉन साइक्लिक। और अगर ये वाला इस तरह से यहाँ से निकल करके एनएडीपी प्लस अगर नहीं है तो ये वापस इसी में आ जाता है घूम करके, तो इसे बोला जाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये दो तरीके से होगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक एटीपी कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज नेम्ड फॉस्फोराइलेशन। तो हम लोगों ने देखा था एटीपी फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना, दिस इज फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो मीन्स लाइट, फॉस्फोराइलेशन इज एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी। तो ये कहाँ पर होगा, ये हमारा होगा क्लोरोप्लास्ट में फोटोफॉस्फोराइलेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो फॉस्फोराइलेशन होता है उसका नाम क्या है, द फॉस्फोराइलेशन विच टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज, जो फॉस्फोराइलेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है उसका नाम क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट एंड द फॉस्फोराइलेशन विच टेक्स प्लेस इन इसको क्या बोलते हैं, यस करेक्ट सीमा सानी, वेरी गुड, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो यहां पर हमें फोटोफॉस्फोराइलेशन से मतलब है भाई, फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये लाइट के प्रेजेंस में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन। व्हेन द टू फोटोसिस्टम्स वर्क इन ए सीरीज, फर्स्ट फोटोसिस्टम टू एंड देन द फोटोसिस्टम वन, ए प्रोसेस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स। अगर फोटोसिस्टम टू पहले है उसके बाद में फोटोसिस्टम वन आएगा तो ये कैसा होगा, ये हमारा होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। द टू फोटोसिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज सीन अर्लियर इन द जेड स्कीम। तो जैसा कि हम लोगों ने जेड स्कीम में देखा था, बोथ एटीपी एंड एनएडीपी टू एच आर सिंथेसाइज बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो ये इंपॉर्टेंट है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को अगर हम लोग देखें तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में फोटोसिस्टम टू से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक पहुंचा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर ये प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम V6F, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ये प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन विल कनेक्ट विद फोटोसिस्टम वन,
और फोटोसिस्टम वन से ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फाइनली ये पहुंचेगा एनएडीपी प्लस के पास, एनएडीपी प्लस, और ये एनएडीपी प्लस किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा एनएडीपी टू एच में, एनएडीपी टू एच, एनएडीपी एच प्लस एच प्लस, तो इसमें ये चेंज होगा। तो फाइनली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, ये इस तरह से डाउन हिल आया यहाँ पे, फिर ये अपहल गया, फिर ये डाउन हिल, तो फाइनली ये एनएडीपी प्लस जो होगा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और ये चेंज हो रहा है एनएडीपी टू एच में। तो ये नॉन साइक्लिक, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट हुआ था वो वापस यहाँ पर लौट के नहीं आया, फोटो सिस्टम टू के पास नहीं आया, ये किसके पास गया, एनएडीपी प्लस के पास। तो इसी को बोला जाएगा नॉन साइक्लिक, दिस इज नॉन साइक्लिक, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पूछा जाता है कि प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, तो यहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दिस इज एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम टू, जो वाटर की फोटोलिसिस होगी, वाटर का ब्रेकडाउन होगा, वो एसोसिएटेड होगा फोटोसिस्टम टू से। तो ऑक्सीजन विल बी रिलीज एज बाई प्रोडक्ट, प्लस यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मूव करते हैं, तो ये हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी, जैसे एक स्टेयर के इससे बॉल लुढ़का दी जाए, स्टेयर के इससे जैसे एक बॉल लुढ़का दी जाए, हर स्टेप पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है एच आयन को पंप करने में। तो ये एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, एटीपी, और एटीपी प्रोड्यूस होगी, और ये एनएडीपी टू एच, तो ऑक्सीजन एटीपी एंड एनएडीपी टू एच, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये प्रोडक्ट्स होंगे हमारे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सभी को समझ में आया या नहीं आया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक मतलब साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन जो है वापस एनएडीपी प्लस के पास चला गया, नॉन साइक्लिक। थैंक यू शैलजा, वेलकम सीमा, थैंक यू। यस तलत, थैंक यू। यस जितेंद्र, ओम लक्ष्मी, थैंक यू। तो ये नॉन साइक्लिक। इसके बाद फिर बोथ एटीपी एंड एनएडीपी टू एच आर सिंथेसाइज बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो नॉन साइक्लिक में एटीपी, एनएडीपी टू एच और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज बाय प्रोडक्ट। फिर उसके बाद व्हेन ओनली फोटोसिस्टम वन इज फंक्शनल, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम। अगर सिर्फ फोटो सिस्टम वन फंक्शनल हो, फोटो सिस्टम टू नहीं, सिर्फ फोटो सिस्टम वन फंक्शनल था, द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फॉस्फोराइलेशन अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ही होकर के आएगा, तो फॉस्फोराइलेशन वहाँ पर भी होगा। तो ये अगर देखा जाए, ये इन्होंने दिखाया हुआ है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दिस इज साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होगा, सिर्फ फोटो सिस्टम वन का इन्वॉल्वमेंट होगा, ओनली फोटो सिस्टम वन इज इन्वॉल्व, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोटो सिस्टम टू, फोटो सिस्टम टू इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल। तो यहाँ पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुँचा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ से फिर इसके पास प्लास्टोक्विनोन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वापस ये रिएक्शन सेंटर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो फोटो सिस्टम वन का है उसके पास आ जाएगा। तो ये जो मूवमेंट हुआ ये कैसा हुआ, ये साइक्लिकल मूवमेंट हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं नीचे की तरफ तो एनर्जी रिलीज करते हैं, इस एनर्जी को यूज़ किया जाता है एच आयन को पंप करने में, और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। तो ये एटीपी फॉर्मेशन, तो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर सिर्फ,
ना ही ऑक्सीजन यूज होगी, क्योंकि फोटोसिस्टम टू का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन इज नॉट द बाय प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट नहीं होगा। प्लस यहाँ पर NADP प्लस ने भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं किया, तो NADP2H भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होगा। तो अगर साइक्लिकल फ्लो होगा तो साइक्लिकल में फोटोसिस्टम टू भी इन्वॉल्व नहीं है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगी, NADP2H नहीं बनेगा, सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होगा और फोटोसिस्टम वन इन्वॉल्व होगा, ओनली फोटोसिस्टम वन इज इन्वॉल्व। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल, और इनके प्रोडक्ट्स और ये कहाँ पर लोकेशन है इनकी, ये सब भी ए पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली में ओनली फोटोसिस्टम वन इज प्रेजेंट, वाइल द मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ द ग्रेना हैव बोथ फोटोसिस्टम वन एंड फोटोसिस्टम टू। तो जब हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ये ग्रेना है, ये स्ट्रोमा लैमेली। तो स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम वन, ओनली फोटोसिस्टम वन, नो फोटोसिस्टम टू। ग्रेना में फोटोसिस्टम वन भी होगा और फोटोसिस्टम टू भी, दोनों फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होंगे ग्रेनम में। और यहाँ पर स्ट्रोमा लैमेली में NADP रिडक्टेज ये एंजाइम भी एब्सेंट है, NADP रिडक्टेज एंजाइम इज ऑल्सो एब्सेंट, जो यहाँ पर यूज़ होता है NADP2H के फॉर्मेशन में, जो एंजाइम यूज होता है NADP रिडक्टेज, वो भी यहाँ पर एब्सेंट होगा स्ट्रोमा लैमेली में, क्योंकि सिर्फ फोटोसिस्टम वन है। वाइल द मेम्ब्रेन और लैमेली ऑफ द ग्रेना है बोथ फोटोसिस्टम वन एंड टू, द स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन्स लैक फोटोसिस्टम टू एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, फोटोसिस्टम टू भी एब्सेंट है स्ट्रोमा लैमेली में और NADP रिडक्टेज एंजाइम भी। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट पास ऑन टू NADP+ बट इज साइकिल्ड बैक टू द फोटोसिस्टम वन कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अब के थ्रू ये वापस आ जाता है फोटोसिस्टम वन में, इसीलिए इसको साइक्लिकल बोला जाएगा। द साइक्लिकल फ्लो हैंस रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ ATP का फॉर्मेशन होगा बट नॉट ऑफ NADP2H। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर्स वेन ओनली लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन सेंटर फोटोसिस्टम वन में कौन सा है, P700। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ की जाए जिसमें वेवलेंथ अगर 680 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो ओनली फोटोसिस्टम वन विल बी फंक्शनल, और जिसकी वजह से सिर्फ साइक्लिकल फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, सिर्फ ATP का प्रोडक्शन होगा। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया, साइक्लिकल फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिकल फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर, फोटोसिस्टम वन, फोटोसिस्टम टू, ये सब क्लियर? ओके अक्षय, अर्शु, ओके मोनु कौशिक, शैलजा, गगन वर्मा, सीमा सानी, यस तरत बारी, थैंक यू, ओके थैंक यू ओम लक्ष्मी, प्रद्युम्न कुमार, अमरजीत कुमार, चलो लेट्स मूव। फिर केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस व्हाट इज ऑस्मोसिस, केमी ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ, ओके चंद्रकांत, यस जितेंद्र यादव, थैंक यू सीमा, यस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यस करेक्ट।
तो यहाँ पर क्या होगा, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यहाँ पर आयंस का मूवमेंट होगा, केमी ऑस्मोटिक, केमी मीन्स केमिकल, केमिकल क्या है यहाँ पर, एच आयन, इसका मूवमेंट होगा। तो ये क्या है, हाइपोथेसिस है, आइए देखते हैं इसको। लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। एटीपी की सिंथेसिस होती कैसे है क्लोरोप्लास्ट में। दीज केमी ऑस द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। लाइक इन रेस्पिरेशन इन फोटोसिंथेसिस टू, एटीपी सिंथेसिस इज लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, प्रोटॉन के कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रोटॉन का जो डिफरेंस होता है वो किस मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ द थैलाकॉइड, थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस प्रोटॉन का डिफरेंस। तो ये जो थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड जो है ये, इसमें अंदर एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है। जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है इसमें होगा क्या है, इसमें एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन अंदर बढ़ेगा, ल्यूमिन के अंदर एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा बाहर के कंपैरिजन में। बाहर इसमें क्या होगा, बाहर की तरफ ये एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, अंदर एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। बाहर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और अंदर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो लो होगा, लो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसी को बोला जाएगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। देयर इज वन डिफरेंस दो, हियर द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टूवर्ड्स द इन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यहाँ पर अंदर की तरफ है मेम्ब्रेन का जो इनर साइड है, ल्यूमिन साइड है, वहाँ पर ये एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, दैट इज इन द ल्यूमिन, ये ध्यान रखना। क्लोरोप्लास्ट में जो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस है वहाँ पर ल्यूमेन में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और जो माइटोकॉन्ड्रिया में है, माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर बढ़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर बढ़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर बढ़ेगा, यस करेक्ट अर्शु, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, करेक्ट, वहां पर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड होकर के क्रिस्टी बनाएगी, उन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यहाँ पर कहाँ पर बढ़ना है, यहाँ पर ल्यूमिन में बढ़ना है, जो कैविटी है, ल्यूमिन मतलब कैविटी, थैलाकॉइड की जो कैविटी है उसमें। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये इम्पॉर्टेंट है, दोनों दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जो क्लोरोप्लास्ट में हो रही है वहाँ पर ल्यूमिन में एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, इम्पॉर्टेंट, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हाई पोटेंशियल एनर्जी से लो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा, जो एनर्जी रिलीज होगी वो यूज़ की जाती है प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए, और जब प्रोटॉन्स पंप होंगे तो एच आयन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होगा जिसको प्रोटॉन ग्रेडियंट बोला जाएगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये होता किस वजह से, क्यों एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमिन में बढ़ेगा। वी नीड टू कंसिडर अगेन द प्रोसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप्स कॉज ए प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। तो यहाँ पर तीन रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश होगा। पहला, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द प्रोटॉन्स और हाइड्रोजन आयंस दैट आर प्रोड्यूस बाय द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड्स। तो पहला रीजन है यहाँ पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि एसोसिएटेड है फोटोसिस्टम टू से। तो पहला रीजन है ये, दिस इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर की वजह से एच आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ल्यूमिन में बढ़ेगा, फोटोसिस्टम टू,
फिर फोटोसिस्टम टू से जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर के, हम लोगों ने देखा था प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से ये पहुंचेगा साइटोक्रोम B6F, और साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये एच आयन अंदर की तरफ पंप होगा, ये बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रोमा से आएगा ल्यूमेन में। बाहर क्या है? स्ट्रोमा, जहाँ पर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है। क्लोरोप्लास्ट ये क्या है? ये थैलाकॉइड का ल्यूमेन है। ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन दिखाई हुई है जो पिंक कलर से दिखाया है, दिस इज थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये थैलाकॉइड का कैविटी, तो थैलाकॉइड की यहाँ पर पहला रीज़न हो गया फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसने प्रोटॉन्स को पंप किया, अंदर की तरफ आएगा, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ गया। इसके बाद ये प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ ये फोटोसिस्टम वन के पास, और फोटोसिस्टम वन में आयरन सल्फर देन फेरिडॉक्सिन और फाइनली NADP प्लस जो होता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एच आयन के साथ कंबाइन करेगा NADP2H। तो इसने भी एच आयन के साथ कंबाइन किया, एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कम कर रहा है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा है, मतलब ये तीसरा कॉज हो गया जो ग्रेडियंट को इस्टेब्लिश कर रहा है। यहाँ पर अगर कम हो गया तो कंपेरेटिवली यहाँ पर ये अपने आप बढ़ गया। तो ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से एच आयन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बढ़ता है। तो ये तीन रीजंस आपको ध्यान में रखने हैं। अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो गया, प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पर ल्यूमिन में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, और ये ल्यूमिन और बाहर की तरफ स्ट्रोमा में यहाँ पर लो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, एच आयन कॉन्सेंट्रेशन इज लो। तो ये मूवमेंट किधर की तरफ से होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाई टू लो, इसीलिए इसको बोला जाएगा केमी ऑस्मोसिस। केमी इसलिए क्योंकि यहाँ एच आयन का मूवमेंट हो रहा है, एच आयन का मूवमेंट हो रहा है थ्रू मेम्ब्रेन, और चूंकि ये फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन होगी तो इस वजह से एच आयन कहीं से भी नहीं क्रॉस करेगा, कहीं से भी नहीं क्रॉस कर सकता है। ये CFO CF1, ये जो पार्टिकल है CFO CF1 यहाँ से ही सिर्फ क्रॉस कर सकता है। इसमें चैनल्स प्रेजेंट होंगे एच आयन्स के लिए, तो इसके थ्रू ही एच आयन सिर्फ ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि एच आयन कैसा है? पोलर। तो ये सिर्फ यहाँ से जाएगा, ATP सिंथेज जो होगा CF1 में, ATP सिंथेज एक्टिवेट हो जाता है जब एच आयन का मूवमेंट होता है, तो ATP सिंथेज एक्टिवेट हो जाता है, और ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर के ATP बना देगा। तो ATP की सिंथेसिस इस तरह से हो जाती है। तो तीन रीजंस थे जिनकी वजह से एच आयन कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हुआ, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, दिस इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ाना इसका सोल पर्पज़ था, मूल उद्देश्य था, और एच आयन कॉन्सेंट्रेशन जब यहाँ पर बढ़ जाएगा तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगा, लेकिन ये कहीं से भी क्रॉस नहीं कर सकता है। ये CFO CF1 पार्टिकल से जब ये इधर जाएगा तो ये ATP सिंथेज जो होगा CF1 में ये एक्टिवेट हो जाएगा, और ATP से ATP का फॉर्मेशन होगा। तो यही यहाँ पर समझाया हुआ है। बी दूसरा रीज़न दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द फोटो सिस्टम्स, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, दिस हैपेंस बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ट्रांसफर इट इलेक्ट्रॉन्स टू नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू ए हाइड्रोजन कैरियर, प्लास्टोक्विनोन के पास पहुँचता है। दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा वाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, वेन दिस मॉलिक्यूल पासिस ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन कैरियर ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन द प्रोटॉन इज रिलीज। तो जिसकी वजह से यहाँ पर एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तीसरा है NADP रिडक्टेज एंजाइम, और ये किधर होगा? ये स्ट्रोमा साइड में, द NADP रिडक्टेज इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन्स दैट कम फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फोटोसिस्टम वन, प्रोटॉन्स आर नेसेसरी फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP प्लस टू NADPH2H, दीज प्रोटॉन्स आर ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में इसने एच आयन कम कर दिया NADP रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से, NADP2H बना जिसकी वजह से एच आयन स्ट्रोमा में कम हो गया।
तो स्ट्रोमा में कम हो गया, मतलब ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि अगर ल्यूमेन में एचआयन बढ़ रहा हो या स्ट्रोमा में एचआयन कम हो रहा हो, ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हो रहा है। तो ये तीन रीजंस हैं जिनकी वजह से ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हुआ। तो ये तीनों रीजंस आपको याद रखने, पहला फोटोलिसिस ऑफ वाटर, दूसरा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और तीसरा है एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। फिर हैंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीजेस इन नंबर व्हाइल इन द ल्यूमिन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स। तो विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर व्हाइल इन द ल्यूमिन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स। दिस क्रिएट्स अ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलाकोइड मेम्ब्रेन एज वेल एज मेजरेबल डिक्रीज इन पीएच इन द ल्यूमिन। तो ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच कैसा हो जाएगा, ल्यूमिन में कम हो जाएगा। तो विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा विल डिक्रीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाइल इन द ल्यूमिन देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स। वी आर सो इंटरेस्टेड इन द प्रोटॉन, व्हाई आर वी सो इंटरेस्टेड, दिस ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन। जब यह हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आएगा तो बिकॉज इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट दैट लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, द ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द स्ट्रोमा थ्रू द ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल ऑफ द CFO ऑफ द एटीपी सिंथेस। The ATP synthase enzyme consists of two parts, one called the CFO, this is CF0 या CFO, this is embedded in the thylakoid membrane, जो thylakoid membrane में धसा हुआ portion है that is CF0 and forms a transmembrane channel। पूरे membrane में है, पूरे membrane की thickness को span कर रहा है, पूरे thickness को cover कर रहा है, इसलिए transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of protons across the membrane। और इसके थ्रू मूवमेंट कैसा होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये इम्पॉर्टेंट है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा मतलब यहाँ पर एनर्जी खर्च नहीं होगी। द अदर प्रोटॉन इज कॉल्ड CF1, द अदर पोर्शन इज कॉल्ड CF1 एंड प्रोट्यूड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर वाले डायग्राम में ये देखा हुआ है। CFO दिस इज एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, ये पोर्शन जो है यहाँ पर ये मेम्ब्रेन में धंसा हुआ है। This is CFO, ये portion, ये CFO, CF0, ये membrane में धंसा हुआ है, और ये CF1 जो बाहर की तरफ protrude कर रहा है, protrude मतलब उभरा हुआ है, किधर, stroma side में, stroma side में ये उभरा हुआ है। तो ये पूछा जाता है CFO किधर है, CF1 किधर है, ये important points हैं इसके सारे। Protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane. The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational change in the CF1 particle. इसमें conformational change होगा जिसकी वजह से activate हो जाएगा particle of the which makes the enzyme synthesize several molecules of energy packed ATP. तो chemi osmosis में जरूरत किस किस की पड़ेगी, chemi osmosis requires a membrane. जैसे ऑस्मोसिस में मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, ए प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन पंप जिसकी वजह से एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमिन में बढ़ेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन का डिफरेंस, और एटीपी सिंथेस एंजाइम विच विल एक्टिवेटेड विद द पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है, केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर्स ए मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपी सिंथेस। Energy is used to pump protons across a membrane to create a gradient or a high concentration of protons within the thylakoid lumen. ये हम लोग देख चुके हैं। ATP synthase has a channel that allows diffusion of protons back across the membrane. ATP synthase में यहाँ पर channel present है जिसके through HIs pass होंगे। This releases enough energy to activate ATP synthase enzyme that catalyzes the formation of ATP along with the NADPH produced by the movement of electrons
The ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma, responsible for fixing carbon dioxide and synthesis of sugar. और ये ATP कहाँ पर यूज होगी? Along with the NADPH. Along with the NADPH. NADPH कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में खर्च होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ATP विल बी यूज बायोसिंथेटिक रिएक्शन में, जो डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज है उसमें ये दोनों यूज हो जाते हैं. और इन दोनों को मिला करके बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर. और NADPH को क्या बोलते हैं? ATP एंड NADPH, दीज टू आर नोन एज एसिमिलेटरी पावर. इन दोनों को मिला करके बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर. और NADPH को क्या बोलते हैं? NADPH को क्या बोलेंगे? यस, NADPH को क्या बोलेंगे? एसिमिलेटरी पावर ATP और NADPH दोनों को मिला करके बोलते हैं. NADPH को अकेले क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग पावर. दिस इज नोन एज रिड्यूसिंग पावर. NADPH अलोन इज नोन एज रिड्यूसिंग पावर. फिर वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड? ATP और NADPH का यूज कहां पर होगा? यस करेक्ट, मोनोकोशिक सीमा शैलजा, करेक्ट. NADPH इज रिड्यूसिंग पावर. तो ये ATP और NADPH ये यूज कहां पर होने वाले हैं? ATP एंड NADPH, वी लर्न दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं? ATP, NADPH और ऑक्सीजन. इसमें से अगर पूछा जाए कि नॉन साइक्लिक में कौन से होंगे, तो नॉन साइक्लिक में इनमें से कौन सा है? ATP है, NADPH है, ऑक्सीजन है, या ऑल है? अगर पूछा जाए कि नॉन साइक्लिक के प्रोडक्ट्स कौन से हैं, नॉन साइक्लिक के प्रोडक्ट्स कौन से होंगे? यस करेक्ट, अर्शु अक्षय करेक्ट, यस शिखा यादव करेक्ट, शैलजा पांडे करेक्ट, सीमा सानी करेक्ट, ओम लक्ष्मी करेक्ट. और अगर पूछा जाए साइक्लिक के कौन से होंगे, अगर साइक्लिक का पूछा जाए, इसका ऑल है. नॉन साइक्लिक में ये सारे ही बनते हैं, ATP, NADPH और ऑक्सीजन. और अगर पूछा जाए साइक्लिक, तो साइक्लिक में कौन सा होगा? यस, साइक्लिक में सिर्फ ATP, करेक्ट. साइक्लिक में ओनली ATP विल बी प्रोड्यूस्ड, करेक्ट. तो इसको देखते हैं, ऑफ दीज ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. तो ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. While ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthesis of food. तो ये जो ATP और NADPH हैं, इनको बोला जाता है assimilatory power, assimilation, जो हम लोगों ने पढ़ा है. तो ATP and NADPH are used to drive the process leading to the synthesis of food. Cell के अंदर जो होगा, more accurately sugars. This is the biosynthetic phase of photosynthesis. और इसी को बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन. तो यहां पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं? ATP और NADPH. ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगी. बेसाइड CO2 एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा यहां पर ATP और NADP2H. You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continues for some time and then stops. तो जब तक इसके products available रहेंगे, ये process चलता रहेगा. If then light is made available, अगर light फिर से available कराई जाएगी, तो synthesis starts again. तो biosynthetic phase is not directly dependent on light, but this is dependent on products of light reaction. Biosynthetic phase जो होगा, ये
डायरेक्टली लाइट पर निर्भर नहीं है लेकिन उसके प्रोडक्ट्स पर निर्भर है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कैन वी हैंस से दैट कॉलिंग द बायोसिंथेटिक फेज एज द डार्क रिएक्शन इज अ मिसनोमर, डिस्कस दिस। फिर लेट अस नाउ सी हाउ द एटीपी एंड एनएडीपीएच आर यूज्ड इन द बायोसिंथेटिक फेज। वी सॉ अर्लियर दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइंड विद वाटर टू प्रोड्यूस CH2O होल एन। इट वॉज ऑफ इंटरेस्ट टू साइंटिस्ट टू फाइंड आउट हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीडेड और रादर वाट वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म वैन कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन टू अ रिएक्शन और फिक्सड जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू अमंग द सेवरल एफर्ट्स टू पुट रेडियो आइसोटोप्स। तो रेडियो आइसोटोप्स का यूज़ किया गया था कार्बन का पाथ ट्रेस करने के लिए। तो ये किसका वर्क था? वर्क ऑफ मेल्विन कैल्विन, ये इंपॉर्टेंट है। मेल्विन कैल्विन इज एग्जाम्पलरी द यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव। इन्होंने रेडियो एक्टिव C14 को यूज़ किया था इन एल्गल फोटोसिंथेसिस। स्टडीड लेड टू द डिस्कवरी दैट द फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन प्रोडक्ट वॉज 3-carbon organic acid। तो ये 3-carbon organic acid है, इसका मतलब ये साइकिल कैसी होगी, इस साइकिल का नाम क्या होगा। पहला जो प्रोडक्ट बन रहा है वो 3-carbon organic acid बन रहा है, तो ये साइकिल कैसी होगी, इस साइकिल का नाम क्या होगा। नेम ऑफ द साइकिल विल बी, यस करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। द नेम ऑफ द साइकिल इज C3 साइकिल। तो इसी के नाम पर इनको दिया, इस नाम C3 साइकिल, या इसी को बोलते हैं कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल। और फर्स्ट C3 प्रोडक्ट क्या होगा, फर्स्ट C3 प्रोडक्ट क्या है, यस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, करेक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दिस इज द फर्स्ट C3 प्रोडक्ट। तो इन्होंने एल्गी कौन सा यूज़ किया था, एल्गी इन्होंने कौन सा यूज़ किया था, एल्गल फोटोसिंथेसिस। एल्गी यूज्ड वाज यस करेक्ट करेक्ट अक्षय, वेरी गुड। शैलजा पांडे करेक्ट, यस विशाल चौधरी करेक्ट। तो ये एल्गी जो यूज किया गया था वो था क्लोरेला, क्लोरेला एंड सेंडेस्मस, क्लोरेला एंड सेंडेस्मस। इस एल्गी पे इन्होंने ये स्टडी की थी। ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वर्किंग आउट द कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे, हैंस इट वॉज कॉल्ड कैल्विन साइकिल। इन्हीं के नाम पर इसको कैल्विन साइकिल नाम दिया गया आफ्टर हिम। द फर्स्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाइड वॉज 3-phosphoglyceric acid और इन शॉर्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राइड टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव फोटो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एज द फर्स्ट प्रोडक्ट। फिर आगे और रिसर्च की गई, वेदर एनी प्रोडक्ट वॉज फॉर्म्ड इन अदर प्लांट्स। एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स वेयर द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वॉज अगेन एन ऑर्गेनिक एसिड बट वन विच हैड 4-carbon। दिस एसिड वॉज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, और इसी के अंदर 4-carbon थे इसीलिए इसको बोला गया था C4 साइकिल। C4 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, C4 साइकिल का दूसरा नाम क्या होगा, वॉट इज द अनदर नेम ऑफ C4 साइकिल, अनदर नेम ऑफ C4 साइकिल विल बी, C4 साइकिल का दूसरा नाम, C4 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, यस करेक्ट करेक्ट अक्षय, शैलजा पांडे करेक्ट, यस सीमा सहनी करेक्ट, राखी करेक्ट, शिखा यादव करेक्ट, जयराम करेक्ट, यस हैच एंड स्लैक पाथवे करेक्ट।
तो दिस इज नोन एज ऑन द डिस्कवरर, डिस्कवरर के नाम पर हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं, C4 साइकिल हैच एंड स्लैक पाथवे। तो बायोसिंथेटिक फेज, बायोसिंथेटिक फेज जो है ये इसमें C3 साइकिल C3 पाथवे से भी हो सकता है, डार्क रिएक्शन C4 साइकिल से भी हो सकता है, C3 साइकिल या C4 साइकिल। लाइट रिएक्शन में जिस तरह से हम लोगों ने देखा फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व है, उसी तरीके से यहाँ पर C3 और C4 और एक पाथवे और है कैम्प पाथवे, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। तो ये तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए, C3, C4 और कैम्प पाथवे। अभी एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। सिंस देन कार्बन डाइऑक्साइड एसिमिलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वॉज सेड टू बी ऑफ टू मेन टाइप्स, दोज प्लांट्स इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज अ C3, दैट इज द C3 पाथवे, एंड दोज इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट वॉज अ C4, दैट इज द C4 पाथवे। दीज टू ग्रुप ऑफ प्लांट्स शोड अदर एसोसिएटेड करेक्टरिस्टिक्स दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो यहाँ पर जो साइंटिस्ट को कन्फ्यूजन था उसके ऊपर कि पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होगा कौन, कितने कार्बन का होगा। द स्टडीज वर अनएक्सपेक्टेडली शोड दैट द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल वॉज ए 5-carbon कीटो सुगर, ये इंपॉर्टेंट है, 5-carbon कीटो सुगर। सुगर्स में भी एल्डोज कीटोज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो सकता है या कीटोनिक, तो 5-carbon कीटो सुगर। राइबुलोज बेस फॉस्फेट RUBP, ये किस में है, C3 पाथवे में है या C4 पाथवे में है। C3 या C4 पाथवे में ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करेगा, किस में, C3 में या C4 में। ओके अर्घादीप, We will try. Yes. तो ये C3 में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर का काम करेगा। Do not worry. The scientists also took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion. तो पहला प्रोडक्ट चूंकि 3-carbon का बन रहा था तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये 2-carbon का होगा, बट ये 5-carbon का था। तो दिस कंक्लूजन, दे ऑल्सो बिलीव दैट सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट वॉज अ C3 एसिड द प्राइमरी एक्सेप्टर वुड बी ए 2-carbon, क्योंकि 2-carbon में अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड और मिलेगा तो ये 3-carbon का प्रोडक्ट बनेगा जो कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, लेकिन ये ऐसा एक्सपेरिमेंट्स में निकला नहीं। एक्सपेरिमेंट्स में क्या निकला, 5-carbon कंपाउंड था जो कि कीटोज सुगर था। इतना ध्यान रखना RUBP, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया। ओके तलत, जितेंद्र यादव, शैलजा पांडे, अक्षय, विशाल चौधरी, ओम लक्ष्मी, अर्शु, सीमा साहनी, राखी कटियार, ओके मोनू कौशिक, ओके। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको, फिर आगे केल्विन साइकिल और C4 साइकिल इसको हम लोग आगे नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। वेलकम सीमा, जितेंद्र यादव वेलकम, तलतवारी वेलकम, राखी कटियार वेलकम, ओम लक्ष्मी वेलकम, मोनू कौशिक वेलकम, जितेंद्र यादव यस टेक केयर जितेंद्र, गुड नाइट, वेलकम राखी कटियार।
अक्षय वेलकम, गगन वर्मा वेलकम, गुड नाइट सीमा, टेक केयर उमेश, थैंक यू ऑल ऑफ यू, शिखा यादव वेलकम, गगन वर्मा वेलकम।